Okay, we are back again. Calculate I1 and I2 in the magnetically coupled circuit. तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे. सबसे पहले मैंने बताया तो पिछले वीडियो में आप देखा होगा करंट की डायरेक्शन देखनी है तो जो कपल्ड इंडक्टर्स होते हैं तो एक ये कपल दूसरा ये पता क्या चला इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है. तो इस वाले में करंट ऐसा आ रही होगी ठीक है. I1 की डायरेक्शन दे रखी है. इसमें देखो इस वाले में कैसे I1 ऐसा आ रही है I2 ऐसा जा रही है. तो नेट करंट जो है कि ऐसा आएगी I1 माइनस I2 है ना. तो यहाँ पे देखो डॉट में करंट एंटर कर रही है यहाँ से डॉट में से निकल रही है. तो इस ये कौन सा केस हो गया एंटर एंड लीविंग वाला. जब एक में एंटर करे दूसरे में लीव करे तो पोलरिटी जो ले जाती है वो नेगेटिव पॉजिटिव ली जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. जिस डायरेक्शन में होगी उसकी डायरेक्शन में मैं जो वोल्टेज सोर्स लगाएंगे उसकी पोलरिटी क्या होगी नेगेटिव पॉजिटिव. बस इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं जो भी ये कपल्ड इंडक्टर्स हैं हर एक के साथ क्या लगाएंगे इस सीरीज में वोल्टेज सोर्स लगाएंगे ठीक है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. उसकी पोलरिटी हमें पता चल चुकी है ठीक है. ये होगा 5 ओम ये J2 ये कपल्ड इंडक्टर्स है कपल है तो उसके साथ क्या लगाना है हमें ठीक है एक वोल्टेज सोर्स. उसकी देखो यहाँ पे I1 ऐसे करके आ रही है इसमें तो इसकी पोलरिटी कैसे होगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेनी है हमें करंट नेगेटिव पॉजिटिव. ऐसे ये दूसरा एक कपल्ड इंडक्टर है इसके साथ सीरीज में लगाओ इसकी पोलरिटी क्या लेनी है हमें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1 I2 नीचे की तरफ है I1 माइनस I2 नीचे की तरफ आ रही है तो ये कितना नीचे की तरफ है तो नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है. उसके बाद सर्किट को ड्रॉ करो एज इट इज. सर्किट को ड्रॉ किया हमने इसमें माइनस J4 ओम इसमें पूरे करंट हो रही फ्लो रही है I1 और इसमें ऐसे करके फ्लो रही है I2 ठीक है. इतना ड्रॉ करने के बाद इनकी क्या वैल्यू होंगी म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी J3 और जो दूसरे वाले इस वाले के लिए ले रहे हैं तो दूसरे वाले इंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है ठीक है. तो इस वाले में कितनी करंट फ्लो हो रही है I1 माइनस I2. ऐसे ही इस वाले के लिए लेना तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट जो फ्लो हो रही है उस वाले में दूसरे वाले में तो इसमें कितनी फ्लो हो रही है इस वाले में I1 ठीक है. बस इतना करना अब बाकी का केवीएल लगा चले जाओ. तो मैं केवीएल लगाऊंगा ये आ जाएगा प्लस इस वाले में लगा रहा हूँ मैं पहले J3 I1 करंट नीचे की तरफ आ रही है तो माइनस आ जाएगा J6 I1 माइनस I2 माइनस J4 I2 इक्वल्स टू 0. यहाँ से I1 के वाले एक पास करो कितना आ जाएगा ये J3 माइनस J6 I2 वालों को एक साथ करो ये हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा ये प्लस का J6 माइनस कितना बचेगा J2 सॉरी ये पहले J4 I2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से बचेगा ये I1 मैं इसको इधर ले गया I1 J3 इज इक्वल्स टू I2 J2 J से J कैंसिल तो यहाँ से 3 I1 इक्वल्स टू 2 I2 आ गया इक्वेशन नंबर 1. अब इस वाले में लगा दो बस ऐसे ही माइनस 12 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 5 प्लस J2 से I1 करंट हो रही है 5 प्लस J2 I1 नेक्स्ट माइनस J3 I1 माइनस I2 यहां से J6 से कितनी करंट फ्लो हो रही है J6 से हो रही है I1 माइनस I2 और ये कितना आ गया माइनस J3 I1 इजिकल्स टू 0. अगेन ऐसे ही I1 वालों को एक पास करो देखो मैं एक पास कर रहा हूँ यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस J2 यहाँ से आएगा माइनस J3 और यहाँ से आएगा J6. ऐसे I2 वालों को एक पास करो I2 वाले कहाँ यहाँ रहे ये आके इससे प्लस हो जाएगा अंदर जाके और यहाँ से आएगा ये माइनस J6 और ये 12
एट एन एंगल ऑफ जीरो, इसको मैंने इधर भेज दिया। जैसे यहाँ पे ये माइनस जे थ्री रह गया, ठीक है, ये वाला जे थ्री इसके साथ किसके, इसके साथ। तो देखो जे थ्री ये तो कैंसिल हो गए पूरा। यहाँ से हमें वैल्यू पता है, वैल्यू लगा दो आई टू की यहाँ पे, तो ये कितना बचा आई वन, ये बचेगा यहाँ से फाइव प्लस जे टू। आई टू की वैल्यू यहाँ निकाल लो कितनी आएगी, थ्री बाई टू आई वन, यहाँ से ये कितना बचा माइनस जे थ्री। आई टू वैल्यू थ्री बाई टू, ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा ये माइनस जे थ्री, सॉरी माइनस जे थ्री, ठीक है, ये आ गया इतना। यहाँ से आई वन के लिए जब सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 24 एट एन एंगल ऑफ, ये 60 था, 60 डिग्री अपॉन 10 माइनस जे फाइव, ठीक है। इसका इसको फेजर फॉर्म में चेंज करो, जो फेजर फॉर्म में कितना आ जाएगा इसका 2.15 एट एन एंगल ऑफ 86.56 डिग्री, ठीक है। आई वन की वैल्यू आ चुकी है इतने एम्पियर, आई टू क्या था हमारा 3/2 आई वन, ठीक है, यहाँ से हम निकाला था आई वन की वैल्यू कितनी है 2.15 86.56 इतने एम्पियर। तो आई टू यहाँ से सोल्व आएगा, आएगा 3.23 86.86 एम्पियर, ठीक है। तो आई वन की वैल्यू ये आ गई, आई वन की वैल्यू ये रही और आई टू की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के और नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बस एक बार इक्विवेलेंस सर्किट ड्रॉ करना सीख लो, उसके बाद तो केवीएल केसीएल सभी को लगाना था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।